एवरीवन, दिस इज कृति सिंह फ्रॉम टेक मीडिया। सो गाइस, आज आप लोगों के सामने हम लॉन्च की एक स्पेशल टूल लाए हैं, जो कि हमारे OEM जो व्हीकल्स होती हैं, प्रीमियम गाड़ियां होती हैं, उनके लिए ये काम यूज में आता है। ये आप लोगों के मीन्स नॉर्मल व्हीकल्स लाइक मारुति, महिंद्रा, टाटा, इन सब से लेकर आपकी प्रीमियम गाड़ियां वॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, इन सब गाड़ियों में ये स्कैनिंग प्लस कोडिंग प्लस रीसेट फंक्शन, स्पेशल फंक्शन, सारी चीजें में दी हुई होती है। कंप्लीट वर्क करता है, आपकी कारों के लिए टोटल वर्क करता है, प्लस इसमें आपके ट्रकों का भी काम होता है, जिसके लिए एक अडेप्टर आती है। अगर आप चाहें तो कार का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कार प्लस ट्रक दोनों का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ये ऑल इन वन टूल है, जो कि एक हमारे स्मार्ट लिंक एडेप्टर के साथ में आती है। ये आपकी 60 प्लस स्पेशल फंक्शंस होते हैं इसमें, 30 प्लस इसमें रीसेट फंक्शंस होते हैं, एंड ये आपकी जो कंप्लीट बॉक्स है, इसके अंदर आपको टैब एंड जो केबल्स की सेट होती है, एक्स्ट्रा एसेसरीज होती है, वो सारी चीजें आप लोगों को इसमें मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है इसमें। सो गाइस, जो ये आपके पैड 7 है, इसमें आप लोगों को रीड राइट के फंक्शन दिए होते हैं, फॉल्ट कोड रीड करना, इरेज करना, लाइव डेटा चेक करना, और आप लोग इसमें वायरलेस सॉफ्टवेयर अपडेट के भी फंक्शन दिए हुए हैं। आपकी इसमें 110 से भी एक्स्ट्रा ब्रांड में को ये कवर करता है, एंड इसके में आप लोगों की ऑनलाइन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग हो जाती है। ये जो आप लोगों की पैड 7 है, इसमें आप लोगों के वॉक्सवैगन और ऑडी के लिए गाइडेड फंक्शंस होती हैं, ऑप्शनल अडास कैलिब्रेशन के लिए फंक्शंस होती हैं, और इसमें ऑनलाइन कैलिब्रेशन भी कर देता है वॉक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा, सिएट के लिए। एंड इसमें ये इसके नॉर्मल आपके इन्फॉर्मेशन थे, इसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें देखते हैं हमको क्या क्या एसेसरीज मिली हैं, एंड इसके भी हम टैब को ओपन भी करेंगे, जिसमें हम इसकी मतलब प्रोसेसिंग देखेंगे कि आप इसको कैसे लॉगिन करना है, इसको आगे का प्रोसेस क्या है, एंड इसका एक्टिवेशन होने के बाद इसमें जो व्हीकल लिस्ट है वो सारी चीजें आप लोगों को सामने शो होंगी। तो आइए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी लॉन्च पैड 7 की बॉक्स है, जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, और इसके अंदर जैसे कि हमारे हर टूल में यूज़र मैनुअल मिलते हैं, उसी तरह इसमें भी यूज़र मैनुअल मिला हुआ है, जिसके अंदर हमको एक स्लिप मिली हुई है। स्लिप में हमको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है, जो इस ये आप लोगों को सामने एक छोटी सी एक स्लिप दिख रही होगी, जिसके अंदर हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो इसकी मदद से हम उसको हमारे जो ऐप है उसको लॉगिन करते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये हमारी टैब है, टैब हमारी जो होती है वो बहुत अच्छी खासी बड़ी हुई है, जिसका स्क्रीन मतलब काफ़ी बड़ा है, एंड इसमें सपोर्ट के लिए हैंडल्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, पीछे आपको सपोर्ट के लिए हैंडल दिए हुए हैं। इसकी स्क्रीन जो है वो 13.3 टच स्क्रीन है। आप लोग राइट साइड में देखें, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ सबसे पहले हमारी ऑन ऑफ की स्विच दी रहती है, उसके बाद में अगर इसमें आप कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमको वॉइस की बटन दी गई है, जहाँ प्लस और माइनस का साइन है, जो कि कम ज़्यादा के लिए होती है। इसके बाद आपका ये हमारी जो चार्जिंग की पोर्ट होती है वो दी गई है, एंड USB पोर्ट होती है वो दी गई है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर SD का भी पोर्ट दिया हुआ है, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आपका SD का भी काम हो जाता है, तो SD डोंगल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमको केबल के लिए स्विच दी गई है। इसके बाद ये भी हमारे एक्स्ट्रा केबल के लिए दी गई है। पीछे आप लोग देख सकते हैं इसमें कैमरा है, ये आप लोगों की कैमरा दी गई है, एंड इसके बाद ये हमारी मार्किंग की गई है, लॉन्च का सीरियल नंबर दिया गया है इसकी, यहाँ पर अगर आप लोग स्कैन करेंगे तो लॉन्च की वेबसाइट खुल जाती है। ये आप लोगों के कंप्लीट डिटेल है, और ये आप लोगों के जो स्पीकर दी हुई है, स्पीकर के लिए यहाँ पर आप लोगों को वॉइस के लिए दिए गए हैं। तो ये हमारी टैब की डिटेल है। इसके बाद ये हमारा स्मार्ट लिंक एडेप्टर है, ये हमारे स्मार्ट लिंक एडेप्टर की स्क्रीन है, पीछे आपको USB केबल दिया गया है, इधर भी आपके पोर्ट दिए गए हैं अलग अलग। पीछे हमारी जैसे कि लॉन्च की मार्किंग होती है, उसके बाद बहुत से इसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, तो ये हमारी जो डेटा लिंक एडेप्टर है वो है, जिसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। एंड इसके बाद हम केबल्स की तरफ चलते हैं, तो हमारे केबल्स भी काफ़ी सारे दिए रहते हैं इसमें। आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू वाली जो है वो एक्सटेंशन केबल है, बहुत काफ़ी लंबी वायर है ये। इसके बाद हमको देखिए एक 16-पिन OBD केबल की दी गई है, और एक आपको एक टोंगल दी गई है, जो हमारी VCI से कनेक्ट होकर हम इसे यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारी CPU होती है वो 2.0 GHz की होती है। डिस्प्ले हमारी जो मैंने अभी आपको बताया 13.3 इंच की होती है, और जो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो एंड्रॉयड 9.0 होती है।
एंड जो हमारी टैब होती है, टैब की जो मेमोरी होती है वो 8 GB होती है, स्टोरेज हमारी 256 GB की होती है। और हमारा इसमें आपने देखा था कि कैमरा दिया था, एक फ्रंट कैमरा एक बैक कैमरा, तो जो बैक कैमरा होता है वो 13 MP का होता है और जो फ्रंट कैमरा होती है हमारी वो 8 MP की होती है। इसमें आप लोग जानते हैं कि वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, एंड जो स्मार्ट लिंक होता है उसको अभी आपने उसका डिस्प्ले देखा था, वो 3.5 टच स्क्रीन की होती है उसकी डिस्प्ले। एंड इसमें बहुत से अदर केबल्स दिए होते हैं जिनका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पैड 7 है वो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में हमारी BMW आ जाती है, मर्सिडीज़ आ जाती है, फॉक्सवैगन आ जाती है, ऑडी, सीएट, स्कोडा, पोर्श, निसान, इन्फिनाइट एंड मैं और भी बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं वो इसके कवरेज में आती हैं। स्मार्ट लिंक के थ्रू हम इसमें वर्क करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है इसलिए ये हमारी जो पैड 7 होती है वो बहुत अच्छी वर्क करती है। तो ये हमारी पैड 7 और इसके स्मार्ट लिंक एडप्टर है, इसको हम अब चालू करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये स्क्रीन है, इसके राइट साइड में जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ऑन ऑफ का स्विच दिया रहता है, उसको हम क्लिक करके रखते हैं तो हमारी स्क्रीन ओपन हो जाती है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी पैड 7 की स्क्रीन है। एंड सबसे पहले जब भी हम स्क्रीन ओपन करते हैं तो हमको नेट कनेक्ट करना है आगे के प्रोसेसिंग करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें नेट कनेक्ट कर लेते हैं अपना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेट कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर कनेक्टेड शो कर देता है। नेट कनेक्ट होने के बाद हम इसको सबसे पहले हमारी जो स्क्रीन है इसको अपडेट कर देते हैं। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, सिस्टम अपडेट में ऑप्शन में जाकर आप लोग नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये क्या आपकी डाउनलोड हो जाएगी, न्यू जो भी अपडेट रहेगा वो आ जाएगा। पूरा दिखाऊं कि बंद कर करके दिखाऊं? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अपडेट है वो 100% हो गया है। 100% होने के बाद हमको बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे आप लोग X431 का ऐप देख रहे हैं, उसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाता है, इसको कैंसिल करना है। आप लोग इसे जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट में हमको हम जब क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ रजिस्ट्री जो हमारा APK है जो ऐप है वो फिर से अपडेट हो रहा है। तो ये अपडेट का आप लोग वेट करें जब तक कम्प्लीट ना हो जाए। जब हमारा APK कंप्लीट अपडेट हो जाता है, इंस्टॉलिंग हो जाती है, उसके बाद इस स्क्रीन में हमको इसका अपडेटेड वर्जन का सॉफ्टवेयर शो कर देता है। आप लोग ऊपर पैड 7 का देख रहे हैं अपडेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर, इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमको देखिए राइट साइड हमारे लेफ्ट साइड में आपको एक वर्ज़न दिखा रहा है, हमारा V7 का वर्ज़न है 0.026, यह हमारा अपडेटेड वर्ज़न अभी चल रहा है। इसके बाद हमको लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, लॉगिन के ऑप्शन में जाएंगे तो हमको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। हम जब न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन पूछता है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है इसमें और सबमिट करना है। तो आप लोग पहले से ही ये सारी चीज़ें बना के रख लीजिए। एंड आपने जिनसे भी डिवाइस लिया हुआ है सबसे पहले उनको सीरियल नंबर दे के बोल दीजिए कि इसको हमें अपडेट करवाना है, तो जब तक वो सर्वर से अपडेट नहीं करवाएंगे तब तक ये आपका एक्टिवेट नहीं होता है। तो आप लोग ये यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको सबमिट कर लीजिए, फुलफ़िल कर लीजिए। यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट फिल हो गए हैं। उसके बाद हम जब रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर और एक्टिवेशन कोड मांगता है। तो आपको जब डिवाइस में एक यूज़र मैनुअल मिला था उसके अंदर एक छोटी सी स्लिप थी जिसमें ये आपकी स्लिप है, जिसके अंदर आप लोगों को एक सीरियल नंबर, यूज़र आई डी और पासवर्ड दिया रहता है। तो सीरियल नंबर में आप लोगों को सीरियल नंबर डालना है और कोड में आप लोगों को जो कोड मिला है वो डाल के इसको आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने से पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले आप लोगों को जिनसे लिया है आपने डीलर से उनसे पहले एक्टिवेशन कराना है, देन उसके बाद आपका ये एक्टिवेट होता है। तो अब हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमको स्क्रीन में सारे हमारे व्हीकल शो करने लगेंगे, फंक्शन शो करने लगेंगे। VCI हैज़ बिन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए। इसके बाद अब हम बाहर आते हैं।
एक्टिवेट VCI, यहाँ पर हमको एक्टिवेट VCI भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं अपडेट के ऑप्शन में हम जब गए हैं तो अपडेट के ऑप्शन में हमको सारे व्हीकल्स इसमें शो करेंगे। अब तो यहाँ पर हमारे सारे व्हीकल शो कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लाइन वाइज देख सकते हैं। मैंने बहुत ब्रीफ में धीरे स्लो में वीडियो बनाया है, आप लोगों को सारे व्हीकल्स दिखाएंगे। रीसेट फंक्शंस भी इसी में आपको दिखाएंगे। आप लोग BMW और ऑडी रीसेट, ब्रेक रीसेट दिखा रहा है, ABS रीसेट दिखा रहा है, और भी आपके बहुत सारे रीसेट फंक्शंस हैं। व्हीकल लिस्ट है तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए कि किसमें काम करता है किसमें नहीं करता है। एंड जो ये हमारी PAT-7 होती है इसमें हमको एक ADAS कैलिब्रेशन का फंक्शन दिया जाता है, TPMS सर्विस, और जो 8 होती है 8 एक्सटेंडेड मॉड्यूल्स फंक्शन दिए होते हैं हमारी। इसमें हम ECU प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, एक्चुएशन टेस्ट दिया जाता है हमको, टोपोलॉजी मैपिंग का ऑप्शन दिया जाता है, OBD जो 2 कनेक्टर पिन होता है उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, J2534 ECU प्रोग्रामिंग दिया होता है, लेटेस्ट कारों के प्रोटोकॉल इसमें सपोर्ट हो जाते हैं, जो भी हमारे लेटेस्ट कार हैं उनके प्रोटोकॉल इसमें सपोर्ट हो जाते हैं। सो गाइस हमारी कंप्लीट व्हीकल लिस्ट थी। एंड इसके बाद आप लोग इंटेलिजेंट डायग्नोसिस देख सकते हैं। इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में हम जाएंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट है, हम सबने स्टार्ट किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग हमको करनी पड़ रही है। यहाँ पर हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को TPMS के फंक्शन दिखा रहे हैं, एंड रिमोट कंट्रोल दिखाता है जिसके थ्रू हम मीन्स जैसे कोई भी टेक्नीशियन आपका यूज़ करे तो उनको सपोर्ट मिलती है। डायग्नोसिस हिस्ट्री दिखा सकते हैं, फीडबैक, ADAS का ऑप्शन दिखा रहा है पैसेंजर कार के लिए भी और कमर्शियल कार के लिए भी आप लोगों की। और इसके बाद आप लोग मॉल में जाएंगे तो मॉल में भी आपको कई सारे फंक्शन होते हैं, जो अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ पर पेमेंट करके उसको परचेस कर सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, मोटरसाइकिल मॉडल फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। इसके बाद व्हीकल कवरेज है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको DTC हेल्प भी सारी चीज़ें मिलती हैं। इंफॉर्मेशन में आप लोगों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखती है। प्रोफाइल में जाएंगे तो आप लोगों का ईमेल आईडी दिखेगा, आप लोगों ने क्या नेम डाला है वो आपको शो करेगा, कंट्री कोड शो करता है। तो ये इसके बाद आप लोग लास्ट देख सकते हैं अपडेट पीरियड, जो जब भी आप इसको अपडेट करते हैं उसका आपको लास्ट टाइम यहाँ पर शो कर देता है कि ये कब तक चलेगा, 3 साल। इसमें आप लोगों को अभी हमने 2023 में अपडेट किया है तो उसके 3 साल तक ये चलेगा, तो 23 से 25 तक का। इसके बाद अदर मॉड्यूल्स में जाने के बाद ये सारे आपके ऑप्शन होते हैं, बैटरी टेस्ट और इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग का, वीडियो स्कोप का ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो स्कोप के लिए आपको हमारे पास वीडियो स्कोप भी मिल जाता है अलग से, तो अगर आप वीडियो स्कोप लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारे फंक्शन दिए गए हैं हमें लॉन्च के। जो अदर फंक्शन मॉड्यूल्स होते हैं उसमें ऐसा कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है। PAT-3, PAT-7, PAT-5 में आपकी BST-580D होती है, BST-360 होती है, वीडियो स्कोप इन सब का ऑप्शन रहता है, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन होती है, गैलरी के ऑप्शन होती है, जिससे कि आप लोगों को ये कंफर्टेबल होता है कि अगर आपको कुछ भी वीडियो बनाना है या फोटो रखनी है तो आप लोग उसे क्लिक करके रख सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है। ये आपके अदर मॉड्यूल्स हो गए, इसमें बहुत से। इसके बाद हम देखते हैं कि अपडेट सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद व्हीकल लिस्ट हम सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको सारे जो ऑप्शन दिए होते हैं इनको इसको अनसेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सारे अनसेलेक्ट कर लिए। अनसेलेक्ट करने के बाद हम इसे लाइन वाइज अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में हम ये देखिए आपका लाइन वाइज हमने जो जो हमको यूज़ है, स्कोडा हो गया, मारुति हो गया, मारुति इंडियन हो गया, टाटा हो गया, जो आपकी यूज़ किए रेगुलर गाड़ियाँ हैं आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको अपडेट कर लीजिए, एक्स्ट्रा गाड़ियाँ भी नहीं करिएगा, क्योंकि क्या है उससे स्टोरेज भरता है, स्टोरेज भरने से फिर आपको हैंगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको जितनी यूज़ है, जितने रीसेट फंक्शन की यूज़ है आप उतने डाउनलोड करके नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा, अपडेट में जाकर आप उसे क्लिक कर लीजिए।
तो ये हमारे सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, नीचे अपडेट में हमने क्लिक कर दिया है। तो अब ये हमारा कंटिन्यू स्टार्ट हो गया है अपडेट होना, एंड ये हमारा लॉन्च का पैड से बनता है। अगर किसी को भी ये डिवाइस परचेस करनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसमें 3 साल का आपको अपडेट मिलता है, 1 साल की वारंटी मिलती है। तो हमारे पास रेडी स्टॉक में है, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।